हम अपने डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुनते हैं जहां हम कहते हैं किसके कहने पर तुमने यह किया है, या किसके कहने पर तुमने मेरा कार इस्तेमाल किया, किसके कहने पर तुम वहां गए, या किसके कहने पर तुम यहां रहते हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं? इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं के कहने पर को बोलने के लिए आप कहेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो आपके कहने पर वह मेरी मदद किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हेल्प्ड मी एट द बिहेस्ट ऑफ यू, यानी आपके कहने पर वो मेरी मदद किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कहने पर के लिए मैंने बोला एट द बिहेस्ट ऑफ। अगर हम बात स्ट्रक्चर की करें तो एट द बिहेस्ट ऑफ का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे एक सेंटेंस, उसके बाद आप लिखेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कोई ऑब्जेक्ट या नाउन, यानी जिसकी जिक्र की जाए। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं आपके कहने पर यहां आया हूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव कम हियर एट द बिहेस्ट ऑफ यू, यानी आपके कहने पर मैं यहां आया हूं। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि एट द बिहेस्ट ऑफ यू के जगह पर आप एट योर बिहेस्ट भी लिख सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं आई हैव कम हियर एट योर बिहेस्ट, यानी मैं आपके कहने पर आया हूं। अगर आपको कहना हो आपके कहने पर मैं वह बाइक खरीदा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बॉट दैट बाइक एट द बिहेस्ट ऑफ यू, यानी आपके कहने पर मैं वह बाइक खरीदा। यहाँ मैंने बोला एट द बिहेस्ट ऑफ यू, जिसका मतलब होता है आपके कहने पर। अगर आपको कहना हो मेरे कहने पर वह कॉलेज गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वेंट टू कॉलेज एट द बिहेस्ट ऑफ मी, यानी मेरे कहने पर वह कॉलेज गया। आप ये भी कह सकते हैं ही वेंट टू कॉलेज एट माई बिहेस्ट, यानी मेरे कहने पर वह कॉलेज गया। आइए फ्रेंड्स, अब सीखे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं किसके कहने पर तुम यहां आए हो, किसके कहने पर तुम वह करते हो, किसके कहने पर तुमने मेरा कार इस्तेमाल किया। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे एट हूज बिहेस्ट, फिर आप टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होगा जो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एट हूज बिहेस्ट हैव यू कम हियर। यहाँ सबसे पहले मैंने बोला एट हूज बिहेस्ट, फिर मैंने बोला हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैंने बोला सब्जेक्ट जो है यू, फिर मैंने बोला वर्ब जो था कम। किसके कहने पर तुम यह किए हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एट हूज बिहेस्ट हैव यू डन दिस, यानी किसके कहने पर तुम यह किए हो। किसके कहने पर तुम मेरा कार इस्तेमाल किए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एट हूज बिहेस्ट डिड यू यूज माई कार। अगर आपको कहना हो किसके कहने पर वह वहाँ गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एट हूज बिहेस्ट डिड सी गो देयर, यानी किसके कहने पर वह वहाँ गई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि एट द बिहेस्ट ऑफ क्या है। अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।